नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के कालाचुंगी में मौजूद ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षक की पहल। ऐतिहासिक कस्बा कालाचुंगी को पर्यटन के रूप में नई पहचान दिलाने के लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की पहल दिखाई देने लगी है। इसी सिलसिले में उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री लोहा बनाने की भट्टी का SGM रेखा कोहली और तहसीलदार प्रियंका रानी ने राजस्व कर्मियों के साथ निरीक्षण किया। इधर शहरी विकास मंत्री वंशीधर भगत ने भी इस आयरन फाउंड्री के संरक्षक के पर्यटन विभाग को निर्देशित किया है। सरकार और पर्यटन विभाग की अनदेखी के चलते 1858 की आयरन फाउंड्री देखरेख के अभाव में अपनी पहचान खोती जा रही है। इतिहास में के पन्नों को खोलकर देखा जाए तो कालाचुंगी किसी विश्व विरासत से कम नहीं है। ये विश्व विख्यात जिम कॉर्बेट की कर्मस्थली है और यहाँ उत्तर भारत की प्रथम आयरन फाउंड्री समेत अनेकों ऐतिहासिक धरोहरें आज भी मौजूद हैं। इस आयरन फाउंड्री को लोहा गलाने की भट्टी भी कहा जाता है। कालाचुंगी से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। सर, मैं इसमें ये कहना, मेरा अपना कथन ये है कि इस आयरन फाउंड्री को 1856 में कुमाऊं कमिश्नर सर हेनरी रैमजे द्वारा जो है इसको बनाया गया। उसके बाद ये 72-73 में पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ कटने की वजह से जो है इसको सर हेनरी रैमजे द्वारा बंद भी करा दिया गया। आज जो है इसको, मैंने कल पेपर के माध्यम से पढ़ा था कि दीपक रावत साहब कमिश्नर साहब जो है इसका करेंगे कालाढूंगी का उद्धार। तो ये अगर इसको संरक्षण कर दिया, पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण कर दिया जाए, दीपक रावत जी से कमिश्नर साहब हैं, ये कमिश्नर साहब ने वो इनकी धरोहर है और आज ये कमिश्नर साहब अगर इसको पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से इसको अगर संरक्षण करवा देते हैं तो ये कालाढूंगी का भाग्य होगा और कालाढूंगी बहुत सारी बेरोजगारों को रोजगार पैदा हो जाएगा। मेरा नाम राजकुमार पांडे है, मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय कमिश्नर साहब। नाम मोहन पांडे है, मैं यहाँ पे कॉर्बेट ग्राम विकास समिति से हूँ और हम लोग यहाँ पे इको टूरिज्म एक्टिविटी चला रहे हैं और एज ए नेचर गाइड मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो आज यहाँ पे जो है हमारे कालाढूंगी के SDM और तहसीलदार और यहाँ के पटवारी, उन्होंने यहाँ पे आयरन फाउंड्री का निरीक्षण किया। तो हमारी समिति के द्वारा उनको बताया गया कि ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई एक आयरन फाउंड्री है जो ब्रिटिश टाइम पे बनी हुई 1856 में। तो इसका जो उद्देश्य था यहाँ पे लोहा बनाना, तो लोहा उस ज़माने में रेलवे के लिए यहाँ से जाता था और इस आयरन फाउंड्री के लिए यहाँ पे ये बौर कैनाल बनाई गई है बौर नदी से, जिसका जिक्र जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब माइंड डे में भी किया है। तो ये सारी जानकारी हमारे द्वारा उनको दी गई और हमने उनसे कहा कि इसको जो है पर्यावरण की दृष्टि से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ना कि इसको कंक्रीट बना दिया जाए। इसका जो है जो इसकी विरासत है वो बची रहनी चाहिए और यहाँ पे गार्बेज की बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो कूड़ा है, जो यहाँ पे नहरों में लोग गंदा पानी डाल दे रहे हैं, इस पानी को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी पूरी कालाढूंगी की लाइफ लाइन है। यहाँ पे जो है जो चकलुआ हमारा कुआडांड, हमारा जो देवलचौड़, ये जो एरिया है, यहाँ पूरा सिंचाई के लिए पानी जा रहा है और इससे हम उस जो अनाज हो रहा है वो उसको हम खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पानी को साफ़ सुथरा रखने के लिए हमने उनसे कहा है, ताकि इसमें गंदगी ना हो, गार्बेज ना डालें और अपने कपड़े इसमें यहाँ पे स्थानीय लोग ना धोएं, इसके लिए हमने उनको कहा है। आयरन फाउंड्री को हम ये चाह रहे थे कि ये इसका जो है इसका संरक्षण होना चाहिए, क्योंकि ये पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर छोटी हल्द्वानी में हम कॉर्बेट हेरिटेज ट्रेल विजिट कराते हैं, तो जो हमारे यहाँ जो होम स्टे में यहाँ पर्यटक रुकते हैं उनको हम यहाँ पे बौर कनाल ट्रेल कराते हैं, तो उसका एक पार्ट है ये आयरन फाउंड्री, तो जिसको टूरिस्ट देख के भी काफ़ी खुश होता है। और टूरिस्ट का भी कहना है कि जो है इसका जो है संरक्षण पर्यावरण दृष्टि से होना चाहिए, कि हमारे सामने जंगल है, जंगल भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग बर्ड वॉचिंग के लिए भी आते हैं, पानी साफ़ सुथरा रहना चाहिए, यहाँ पे कूड़ा नहीं होना चाहिए, तो इस दृष्टि से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमने यहाँ के अधिकारियों को बताया।